श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल गुरु नगरी अमृतसर पहुंचे। वहीं सबसे पहले सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब नतमस्तक हुए और सरबत के भले की अरदास की। वहीं विधिवत चल रहे श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सरदार सुखबीर सिंह बादल के द्वारा कांग्रेस को आड़े हाथों लिया गया। उन्होंने कहा कि मनप्रीत सिंह बादल सिर्फ बातें कर रहे हैं, काम नहीं। वहीं अमृतसर में चल रहे BRTS बस प्रोजेक्ट के ऊपर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब सरकार छोड़कर गए थे तब वह गाड़ियां एकदम से नई थी और सड़कें बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन अब रास्ते और यहां पर BRTS की बसों का बुरा हाल है। सड़कें टूटी पड़ी हैं और लाइटिंग चल नहीं रही है। इससे बुरा हालात क्या हो सकते हैं? और जो धार्मिक जगह बनाई गई थी उन सभी का बुरा हाल हो चुका है। वहीं नशे के मामले पर बोलते हुए सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि ये सर्वे 2016 का है, 17 का नहीं, क्योंकि एक सर्वे में नशे की ग्राम कम होता हुआ दिखाई दिया गया था। इसका श्रेय सरदार सुखबीर सिंह बादल खुद लेते हुए नजर आए हैं। हले तक मनप्रीत बादल ने पहला बम सटिया, फिर महीने दो महीने बाद एक और बम सटेंगे, उम्मीद छाड़ देंगे, एक भी नहीं 2 लाख भी नहीं देते जाना। मैं तुम्हें एक गल दसा, हौली हौली इन्होंने सरकार दे हाथ खड़े कर देने। तुम देखो जिन्हिया असी धार्मिक जगह बनाइया सी सारा का बुरा हाल कर दिता, कोई मेंटेनेंस दे रहे। जिन्ने असी जे बनाए सी हैरीटेज दियां चीज़ां बनाइया सी सारे ते पैसा विड्रॉ कर लिया। तुम ओवरऑल देखो तो गुरु की नगरी है, इतने मैं देख लिया कि पिछले 6 महीने चीज़ा हौली हौली खराब हो जाए, सड़कां टुटी जाए, गंद वधी जाता है। जिथे जिथे डिवेलपमेंट की लाइटा बंद, रात में आया सी लाइटा दियाँ बंद सी, और BRTS सिस्टम जिहड़ा मैं शुरू किया सी उत्थे बसा मतलब 6 महीने हो गए, ब्रांड न्यू बसा खड़ी हैं, मतलब 2 महीने होर रह गई तो बसा ही कंडम हो जाए। 6 महीने बहुत वधिया, शाबाश। पर उन्होंने ए नहीं पता सर्वे 2016 का सी।